सोशल मीडिया पर किसी को बददुआ देना, किसी को धमकी देना, किसी के खिलाफ किसी की वीडियो में घुसकर उल्टा सीधा लिखना, तुम मर जाओगी, तुम विधवा हो जाओगी, तो तुम ये हो जाओगी, तुम वो हो जाओगी, ये तो एक आम बात हो गई। और आज की जो मेरी वीडियो है वो अनीता जी की बहू यानी कि रवीना जी के लिए। बहुत एक दो दिन हो गया मैंने वीडियो देखा, मैं वीडियो उनके लिए बना नहीं पाई थी, तो आज मुझे टाइम मिला है, संडे है, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए भी आज मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है किसने ये सारी चीज़ें की हैं? तो नमस्कार YouTube फैमिली, मैं रीति महाराज स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और भाई सबके साथ अच्छा अच्छा होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ लोग जो हैं आपको टिकने नहीं देना चाहते, या फिर अगर आप अपने परिवार के लिए स्टैंड लेते हो या फिर किसी शख्स के लिए ही स्टैंड लेते हो तो आपको मिलेगी धमकी, आपको मिलेगी बद्दुआ, या फिर आपके वीडियो में लोग घुस घुस कर उल्टा सीधा लिखेंगे। जिनको कुछ भी समझ नहीं है बेवजह आकर बेतुकी बातें करके चले जाएंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अनीता जी की बहू यानी कि रवीना जी, जिनको ये कमेंट आया कि आप डाइवोर्सी हो। भैया बिना जाने समझे कमेंट करके चले गए। उसके बाद वही आईडी मेरे वीडियो में आकर ये कमेंट करके जाती है। मतलब ऐसी ऐसी आइडियां बनी हुई है ना, जो कुछ दो चार दिन पहले की है या फिर साल भर पुरानी है। नई नई आईडी से लोग जो है वो घुसते हैं वीडियो में और कमेंट करते हैं, वो भी इस वक्त जब अनीता जी और बसंती जी के बीच इतना बड़ा कांड हुआ, यानी कि लाला जी को मारने की कोशिश की गई, कुएं में धकेलने की कोशिश की गई। और इस बीच जब वीडियोज आती है और उस पर हम अपना रिएक्शन देने लगते हैं, यानी कि अपनी बातों को रखते हैं, तो लोग जो हैं, अब ये कौन लोग हो सकते हैं आप भी समझ सकते हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जो क्या बोलूं, जो बसंती के अपने हों, सगे हों। सब्सक्राइबर यहाँ किसी को कोई धमकी नहीं दे सकता है, सब्सक्राइबर किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता है। मान लो कोई बसंती का सब्सक्राइबर है, वो किसी को बद्दुआ नहीं देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन जो बसंती के घर के लोग हैं वो गलत आईडी बना बना कर लोगों को बद्दुआ, लोगों को डरा धमका जरूर सकते हैं। तो यही कुछ हुआ रवीना जी के साथ, यानी कि अनीता जी की जो बहू है उनको ये कहा गया कि तुम डाइवोर्सी हो। अच्छा, मतलब किसी के घर की बातें आप लोगों को कैसे पता चलती है? वो भी वो बातें जो कभी हुई ही नहीं। मतलब आप लोग इतने दूरदर्शी हो कि जो चीजें होती नहीं है वो आप लोगों को पता चल जाती है, और आप किसी के वीडियो में घुसकर कहीं ना कहीं आप उसको मेंटली हरासमेंट देते हो, यानी कि मानसिक तौर पर तनाव देने की कोशिश करते हो, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए। और यही सब कुछ हुआ रवीना जी के साथ। और वही आईडी मैं आप लोगों को बता दूं, वही आईडी जो है वो मेरे में घुसकर ये कमेंट करती है क्या भाई, कि अनीता जी की आप सिस्टर हो, अनीता की गलती आपको नजर नहीं आती, अनीता गलत है, चालाक है, लोमड़ी है, तो ये है तो वो है। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको बसंती में कोई गलती नहीं दिखाई देती, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ये बसंती के घर के ही लोग हैं या उनके बच्चे हों, जिनको अपनी माँ से इतना प्रेम है, या फिर उनके ही घर के ऐसे लोग होंगे जो ये फेक आईडी बना बनाकर जब हम अनीता जी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं, ऐसा नहीं है कि अनीता जी की गलती नजर आएगी तो हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल हम निष्पक्षता से अपनी बातों को करेंगे। लेकिन पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि लाला जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें साफ चीजें जो थी वो आईने की तरह साफ थी। लेकिन अभी जो है वो रवीना को ये कहा जा रहा है, मतलब कहते हैं ना कि पहले लाला जी, फिर अनीता जी, फिर अब अनीता लाला जी की बहू रवीना, उसको कहा जा रहा है कि तुम डाइवोर्सी हो। और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, वो डाइवोर्सी उन्होंने क्लियर किया है कि मैं नहीं हूँ, ये मेरी पहली और आखिरी शादी है। आखिरी इसलिए कि कोई भी महिला अपना रिश्ता अपने पति के साथ नहीं तोड़ना चाहती और कभी नहीं चाहती है कि उसको डाइवोर्स मिले। और चलो मैं मान भी लेती हूँ, अगर कोई महिला डाइवोर्सी है, तलाकशुदा है, तो क्या उसने ये कोशिश नहीं की होगी अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों में बंधे रहने के लिए?
कौन सी महिला चाहती है कि उसका पति उसको छोड़कर चला जाए। कुछ रीजन, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि महिलाओं को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, तब जाकर वो अपने पति से तलाक लेती है। इसका मतलब वो नहीं कि वो औरत गलत है, मतलब लोगों की कैसी अभी भी मानसिकता है। हम एक तरफ चांद पे चले गए, सूर्य पे भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सोच अभी भी वही है कि हमारा समाज कोई तलाकशुदा महिला है तो पतियों को कभी टारगेट नहीं करेगी, हमेशा औरतों पर ही उंगली उठाई जाएगी। और वही यहाँ पर कुछ चंद गिने चुने लोग हैं। तो यहाँ के लोगों को मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन वो जो कमेंट कर रहे हैं, वो आईडी की मैं बात कर रही, वो आईडी मैंने भी देखा है, मेरे भी वीडियोस में कमेंट आए उन आईडी के माध्यम से। वो दो चार दिन पहले बनी हुई आईडी है या फिर 6 महीने 3 महीने पहले बने हुए आईडी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो आईडी किनकी हो सकती है? मैं आप ही लोगों पर ये सारी चीजें छोड़ती हूँ। रवीना का रोना आप लोगों ने देखा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा भाई कि कोई भी औरत इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी सोशल मीडिया पर किसी को इस तरह आकर लिखना या फिर बद्दुआ दे देना। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोगों को ये अधिकार दिया किसने, किसी की वीडियो में घुसकर उसको मेंटली टॉर्चर करना, यानी कि धमकी देना या फिर बद्दुआ देना या फिर जो चीजें हुई ही नहीं है वो लिख कर उसको परेशान करना। मकसद लोगों का सिर्फ ये होता है कि हमको सामने वाले इंसान को परेशान करना है। चीजें आपको कुछ भी मालूम नहीं होती है, लेकिन फिर भी जाकर ऐसी चीजें लिखोगे क्योंकि आपको पता होता है कि अगर हम ऐसा लिख देंगे तो वो सामने वाला इंसान जो है वो परेशान होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए आप ये सारी चीजें जाकर वहां पर करते हो। मैं ये पूछती हूँ कि इस तरह का कमेंट करने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया है? क्यों आप ऐसी हरकतें करते हो? आपको क खा कुछ भी नहीं मालूम और आप कमल लिख कर आते हो, और वो भी गलत सलत। तो इससे पता चलता है आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच क्या है। डाइवोर्स लेना, मैं पूछना चाहती हूँ कि डाइवोर्स लेना, अगर कोई महिला है अपने पति से मेंटली टॉर्चर हो रही है, शारीरिक रूप पर परेशान हो रही है, तो क्या वो अपने पति से अलग नहीं रह सकती? और अगर जो भी पत्नियां अपने पति से परेशान होकर अलग रहती हैं, मात्र और मात्र सिर्फ उनकी गलती होती है। तो बेफजूल की, कहते हैं ना, फसाद के जरिए कुछ आईडी वाले होते हैं जो किसी की वीडियो में जाकर उनको या तो बद्दुआ दे देंगे कि तुम विधवा हो जाओगी, तुम ये हो जाओगी, तुमको तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तो ये हो जाएगा। अरे भाई, तुम कोई भगवान बैठे हो क्या कि तुम आकर कोई कमेंट करके चले जाओगे और हमारे साथ वो घटना घटित हो जाएगी, ये बताओ। तो ये डराना धमकाना लोगों को पहली बात तो बंद करिए, ठीक है? और आपको कमेंट करने का अधिकार है, कमेंट करिए, लेकिन वैसी ही बातें लिखिए जो आपको सुनना पसंद हो, ठीक है? क्योंकि आप लिखोगे तो फिर हम तो बोलेंगे, हम बोलेंगे तो आपको मिर्ची लगेगी। तो फिर आप ऐसा ही लिखिए कि हमारे भी मुंह से फूल झड़े, जो आपको, जिसकी महक आपको अच्छी लगे, पसंद आए। तो चीजें वैसी मत करिए कि आपको भी सुनना पड़े। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, और देखिए रीजन ये है, रवीना को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि रवीना ने अपनी सास यानी कि अनीता जी के लिए स्टैंड लिया। जाहिर सी बात है, वो बहू है, घर की चीजें घर में ही सुलटती है, लाख मन मोटाव होता है, लेकिन सबसे पहले आपका परिवार ही आपके बचाव में, आपके पक्ष में आता है। और यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर लाला जी को अनीता जी नहीं बचाती तो शायद आज लाला जी इस दुनिया में नहीं होते। और इस वक्त रवीना ने अनीता जी का साथ देकर, यानी कि अपने परिवार, अपने सास ससुर का साथ देकर बहुत अच्छा काम किया है। क्या ये गलती है उसकी? तो यहाँ पर लोगों को लगा कि अरे रवीना अब अपनी सास के साथ खड़ी है, क्योंकि कुछ दिन पहले रवीना और अनीता जी की कंट्रोवर्सी हुई थी। उस वक्त लोगों ने अनीता और क्या नाम है इनका, रवीना जी को कोई बद्दुआ नहीं दी, डाइवोर्सी वाला कोई चीज नहीं लिखा, कोई बद्दुआ ना दी, ना धमकी दी, ना कुछ ऐसे कमेंट आए। लेकिन जैसे ही रवीना जी ने अपने सास के लिए स्टैंड लिया, अपने परिवार के साथ खड़ी हुई, लोग इनको बद्दुआ देने लगे और जो चीजें हैं नहीं वो प्रेजेंट करने की कोशिश करने लगे। तो आप लोग समझिए, आप लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं ना, आप लोग भी समझिए कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो इस वक्त, जब रवीना अपने सास ससुर के साथ खड़ी है और इस वक्त वैसी चीजों को लाना जो कि है ही नहीं, तो मेंटली तौर पर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम कुछ ऐसा लिखें ताकि सामने वाला इंसान जो है वो अपने सास के साथ खड़ा ना हो, अपने घर परिवार के साथ खड़ा ना हो कि अरे नहीं, हमको इनके फसाद में, इनके ये में, झगड़े में, लफड़े में नहीं पड़ना। और इसलिए रवीना को ये कमेंट किया गया कि अरे उसको, चलो अब हम ऐसे तो कुछ नहीं कर पाए, हम उसको मानसिक तौर पर बीमार करते हैं, यानी कि परेशान करते हैं। और कोई भी औरत है भाई,
किसी को भी यहाँ पर आकर धमकाओगे, उल्टा सीधा लिख दोगे, तो थोड़ा सा तो आप लोगों को पता है औरतों का स्वभाव, परेशान हो जाती है कि क्यों हमारे लिए ऐसा लिख दिया गया, हमने क्या किया। तो रवीना की मात्र गलती इतनी थी कि अनीता जी का उन्होंने सपोर्ट किया, अपनी सास का सपोर्ट किया। भाई तो कोई भी बहू होगी अपने सास ससुर के साथ लाख लड़ाई झगड़ा करेगी, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके ससुर कुआं में उनको ढकेल दिया जाए और वो सामने एकदम टकटकी बंधाए देखती रहेगी, अपने सास ससुर के लिए स्टैंड लेने लगी लेगी ना। मतलब गलत के खिलाफ तो स्टैंड लेना बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ मुझे। तो यहाँ पर ये कुछ चंद लोग हैं जो या तो बसंती के खुद के घर के हैं या फिर इनके बेटा बेटी हों, क्योंकि वो बहुत सयाने हैं, बच्चे तो हैं नहीं। क्योंकि अगर जिस तरह से बसंती ने वीडियो बनाने के लिए कहा, अगर बच्ची जो है वो खुरफाती टाइप की नहीं होती, तिकड़मबाजी उसके दिमाग में नहीं चलती, तो वो अपने माँ को बोलती, क्योंकि वो तो घर का सारा काम करती है, समझती है चीज़ों को, तो कहती कि हाँ माँ इस वक्त दादाजी और अनीता माँ जो भी बोलती हो, चाची बोलती हो, बड़ी माँ बोलती हो, ये लोग तो कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे, क्या मतलब बनता है रिकॉर्ड करने का। लेकिन उसने भी अपनी माँ की बात मानी, तो अपनी माँ के लिए तो दूसरी आईडी बनाकर घुसकर कहीं पर भी कुछ भी लिख सकती है। तो यह किस तरह से देखिए आप लोग, की लोगों को परेशान किया जाता है और रवीना को किस तरह से परेशान किया गया, वो भी इस उस वक्त जब रवीना ने अपनी सासू माँ अपने सास जी के लिए स्टैंड लिया, ससुर जी के लिए। तो यहाँ पर बसंती के कारनामे तो खुलते आ ही रहे हैं और लोगों ने मुझे भी कमेंट किया, वाह भैया वाह, कि आप क्या अनीता जी की सिस्टर हो, आप तो अनीता जी की सिस्टर लगती हो। अच्छा चलो, अगर सिस्टर हूँ ही तो आपको क्या तकलीफ है ये बताओ। भाई मैं निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखती हूँ, जहाँ गलत होगा वहाँ बोलूंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बसंती के साथ कभी कोई गलती हुआ ही नहीं, क्योंकि बसंती बहुत चालाकी से सब चीजों को करती है, आप लोग भी समझते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने खुद ही मेरे भी वीडियो में कमेंट किया है कि हम लोग भी बसंती की वीडियो देखते थे और ये सोच कर देखते थे कि विधवा है, चलो इसकी हेल्प हो जाएगी, हम इनके सब्सक्राइबर बनेंगे, इनके वीडियो देखेंगे, इनको व्यू जाएंगे, तो कुछ न कुछ इनको आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन ये महिला इतनी चालाक है और ऐसी सातिर चाले चल सकती है, इस कारण से हम लोगों ने वापस से इनको अब अनसब्सक्राइब भी कर दिया, हम नहीं देखते इनको। तो लोग यहाँ समझदार हैं, कोई लोग यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा है कि आप चक्रव्यूह चलोगे और इस तरह से लोगों को गोल गोल घुमाओगे, तो लोग नहीं समझते हैं चीज़ों को, लोग समझते हैं आईने की तरह, सोशल मीडिया पर सब कुछ साफ होता है। तो यहाँ पर जो है वो अनीता जी के परिवार को तो बदनाम करने की कोशिश की ही गई, किस तरह से क्या कुछ हुआ, आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, बार बार एक ही चीज को बोलना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है वो अब रवीना को मानसिक तौर पर वेदनाएं दी जा रही है, मानसिक तौर पे उसको परेशान किया जा रहा है कि चलो इसकी वीडियो में घुसकर हम इस तरह की बद्दुआएं इसको दें या फिर झूठ सच अफवाह फैलाएं, तो यहाँ पर एक कंटेंट मिलेगा लोगों को बातें रखने का, क्योंकि वो फिर बोलेगी, वो तो भाई बोलेगी ना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है आप लिखोगे तो हम तो बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर सामने वाले को भी मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें कौन कर सकता है, वही कर सकता है जो मुझे पसंद नहीं करेगा, बाकी यहाँ सब्सक्राइबर को तो कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्राइबर तो हमारी वीडियोस को सिर्फ देखते हैं, लेकिन जो चीजें सब्सक्राइबर को पता ही नहीं है, जो चीजें है ही नहीं, वो कमेंट करके कौन किसको परेशान कर रहा है, ये तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि कौन ऐसी हरकतें कर सकता है। तो ये कुछ फेक आईडी बनाते हैं लोग, और लोग नहीं बनाते हैं, ये वही लोग बनाते हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम हो, जिनसे जो लोग मुझसे चिढ़ते हो। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ अनीता जी और बसंती जी का झगड़ा चल रहा था सोशल मीडिया पर, लाला जी को किस तरह से मारने की कोशिश की गई। अगर उस वक्त अनीता जी नहीं होती ना, तो आज सचमुच बहुत बड़ा कांड हो जाता, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो अनीता जी ने अपने पत्नी होने का फर्ज तो निभाया, साथ ही साथ रवीना ने भी अपनी बहू होने का फर्ज निभाया, अपने सास ससुर अपने परिवार के लिए स्टैंड लिया। उस वक्त इन लोगों को बहुत मजा आ रहा था जब अनीता जी और रवीना में कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब तो ऐसे चीजें नहीं आई थी सामने, लेकिन जैसे ही वो अपने परिवार के साथ खड़ी होती हैं, लोग यहाँ पर बद्दुआ देने लगते हैं और लोग जो चीजें है ही नहीं वो उसको उनको जाकर कमेंट करते हैं, ताकि वो परेशान हो जाए, ताकि वो परेशान हो और परेशानी में कुछ ऐसी चीजें करे कि सामने वाले को बोलने का मौका मिले। तो चलिए, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है और जो लोग समझ रहे होंगे कि ये कमेंट कौन कर सकता है, भाई तो आप लोग जल्दी जल्दी आकर बताइएगा कि ये कमेंट आखिरकार कौन कर सकता है, कौन किसको परेशान कर सकता है। सोशल मीडिया पर तो हम एक चीज जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो किसी की वीडियो में घुसकर उसको बद्दुआ देंगे, धमकियां भी दी जाती है सोशल मीडिया पर। यहाँ पर एक एक से एक गुंडे बैठे हुए हैं, एक से एक जो है वो क्या बोलूं, साधु महात्मा बैठे हुए हैं जो धमकियां देते हैं, उनको लगता है कि हम श्राप देंगे
और श्राप इनको पड़ जाएगा, मतलब बदुआ देंगे, मतलब वो उनको क्या बोलूं, साधु महात्मा नहीं बोलूंगी उनको, मैं पाखंडी बोलूंगी। तो ऐसे भी लोग हैं कि जाकर इनको बदुआ दो, मतलब तुम्हारे लिखने में इतना दम है कि तुम जो लिखोगे वो किसी को उसकी बदुआ पड़ जाएगी, भगवान हो कौन हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी टोटल मिलाकर अब रवीना जी को लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं, लोग नहीं, ये वही लोग हैं जिनके साथ इनकी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो ये शांत बैठे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान के आने की पहले की शांति कैसी होती है, सन्नाटा, आप लोगों को भी मालूम है ना, एकदम शांत रहेगा मौसम और अचानक से आप देखना तूफान आने लगेगा। तो ये दूसरा पक्ष इसी वजह से शांत है क्योंकि उसको पता है कि हम ऐसा आईडी बनाते हैं, चलो इसकी बहू को परेशान करते हैं, क्योंकि लोग तो यहाँ पर हैं उसके सपोर्ट में वीडियोस बनाने के लिए, लोगों को दिखता है कि हम गलत हैं, तो हम इनके घर के लोगों को ही टॉर्चर करते हैं, उल्टी चीजी सीधी चीजें इनके वीडियो में जाकर घुसकर लिख कर आते हैं ताकि ये मेंटली तौर पर परेशान होंगे और अपने सास ससुर को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ एकता होती है ना और एकता में बल होता है, परिवार कितना भी टूट जाए बिखर जाए लेकिन जब मुसीबत आएगी ना तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है। तो रवीना अपनी सास ससुर के लिए स्टैंड ले रही है और ये चीजें किसी को मिर्ची लग रही है और आईडी बनाकर उनके वीडियो में घुसकर कमेंट कर रहे हैं ताकि वो परेशान रहे और अपने सास ससुर के साथ खड़े ना हो पाए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। और ये फेक आईडी बना बनाकर कमेंट करने से अच्छा है कि आप में अगर हिम्मत है तो आप अपनी रियल आईडी से आइए, या फिर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो फिर आपको जो करना है वो आप करिए, आपकी बदुआओं का यहाँ पर कोई असर होने वाला नहीं, आपकी धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं। आप रिश्ते बनाते हो, आपको रिश्ते बनाना पसंद है, अच्छी बात है, हमें किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाना, हम निष्पक्षता से अपनी बातों को रखते हैं, जहाँ गलत होता है वहाँ बेधड़क निडर होके निर्भीकता से अपनी बातों को रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोग ही बताइए कि रवीना को क्यों परेशान किया जा रहा है, कौन हो सकते हैं वो लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा।